से भोपाल से सर राबिया खान और दीपा मालिक जी। राबिया खान है, राबिया बहन है, भोपाल से आवाज आ रही मेरी। दीपा मालवी हैं। दीपा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक को मेरी आवाज आ रही है? बस मैं ये बताने के लिए आपसे बात कर रहा हूं कि ये नई योजना जीवन शक्ति योजना बनी है अपनी, इसमें बहनों को घर से ही मास्क बनाना है, और वो जो मास्क आप बनाएंगे सूती कपड़े के, वो मास्क पूरे के पूरे उसी शहर में खरीदे जाएंगे। एक स्टोर स्टोर का अपना इंचार्ज ऑफिसर रहेगा, वहाँ मास्क जमा करेंगे और आपके खाते में 11,000 रुपया आ जाएंगे। तो कैसी योजना लगी है जीवन शक्ति आपको? बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि इससे अपन दूसरों का जीवन भी बचाएंगे, मास्क लगाएंगे तो कोरोना से बचेंगे लोग, तो ये एक तरह से पुण्य का काम भी है, और दूसरी तरफ बहनों को भी आर्थिक ताकत मिलेगी, बहनों को भी पैसे बचेंगे मास्क बनाने के बाद, तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। तो ठीक है दीपा, अब राधा यादव है नीमच से, साइना भी, साइना जी सर, नमस्ते सर, योजना के बारे में जानकारी है आपको? जी सर है, ये योजना आपके द्वारा ही चालू की गई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस योजना का नाम जीवन शक्ति योजना है। बहनें तैयार हैं, मास्क बनाएंगी? जी सर, सब तैयार है, बस आपके आदेश की तैयारी है। बस आज लॉन्च कर रहे हैं, इसके बाद बनाना शुरू। जी सर, रायसेन बहुत बहुत धन्यवाद। से नहीं, चलो बहुत, आपको भी बधाई। वृंदा अहिरवार वृंदा अहिरवार हैं रायसेन से, जी सर, कैसी हो वृंदा बहन, ठीक हो? ठीक है सर। ये आज नई योजना चालू कर रहे हैं, इसकी जानकारी है आपको? तो मास्क बनाएंगी बहने? जी सर, कितनी बहने बनाएंगी मास्क आपके रायसेन में? अभी तो मतलब मैं अकेली हूँ घर पे, और मेरे हिसाब से मतलब जितने भी मतलब घर पर समूह में मतलब जोड़ लूंगी मैं मेंबरों को, तो सभी लेडीजों को काम रोजगार में लगवा दूंगी। तो बहन को जोड़ें क्योंकि आमदनी बढ़ेगी उनकी, घर बैठे रोजगार मिल रहा है, ठीक है ना? अब कोरोना में वैसे ही बाहर रोजगार नहीं मिल पा रहा था, तो घर बैठे रोजगार मिल जाएगा अपन को। वर्षा जोशी है इंदौर से, अच्छा दीपाली भर, अच्छा वर्षा वर्षा भी है, कैसे हो वर्षा आप? अभी तो घर से नहीं निकल पा रहे होगे, तो इसलिए घर पे ही ये रोजगार की व्यवस्था की है, मास्क बनाए और लोगों की जिंदगी भी बचेगी उससे, और आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक जी सर, है? बहुत अच्छी पहल की है आप, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है सर। जो महिलाएं बिल्कुल घर में बैठ के, पास काम नहीं है जिनको, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे रहे हैं आप, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हो सर आपका। तो बाकी बहनों को भी बताइए, तो ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ेंगे, फोन पे ही बताइए क्योंकि इंदौर में अभी निकल नहीं सकते बाहर। जी सर, गरिमा है उज्जैन से, जी सर, नमस्ते, नमस्ते, कैसी हैं गरिमा बहन? अच्छी हूँ सर। अब कोरोना के कारण घर में ही रहना पड़ रहा होगा, तो घर बैठे ही क्या रोजगार है, ये मास्क बनाना। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी के लिए। कैसी लगी योजना, अच्छी है ये? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, घर बैठे सबको मिलेगा सर काम। घर बैठे काम मिल जाएगा तो अपनी आमदनी बढ़ेगी और लोगों की जान बचेगी। हाँ सर, ठीक है गरिमा, बाकी बहनों में भी इसका प्रचार करना आप है, जी, बिल्कुल जी। ज्यादा से ज्यादा बहनें काम में लग जाएं। गुना से है नूरी बानो, गुना नमस्ते, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज।
तो ये जीवन शक्ति योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर, आपकी जीवन शक्ति योजना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतनी रईसों को घर बैठे सहारा दे रहे हैं, बहुत परेशान है, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, और एक से दो तरह की सहायता मिलेगी उनको, घर बैठे सहारा भी मिल जाएगा, कमाएगा, और ना अपनी बीमारी उसको बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, सेफ्टी हो जाएगी। ठीक है, मेरी सभी बहनों को और बहनों के माध्यम से मैं प्रदेश की जी जी नहीं, आप भी और बहनों में भी प्रचार कीजिए सब, ताकि बहनों को काम मिल जाए, मास्क बनाएंगी तो आमदनी भी होगी और दूसरों की जिंदगी भी बचेगी मास्क से। मेरी प्रिय बहनों, आप सब जानती हैं कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं, और कोरोना के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई का प्रमुख हथियार दो ही है, एक घर में रहो, दूरी बनाए रखो, दो गज दूर रहें, और दूसरा है कि मास्क जरूर पहने, फेस कवर मास्क। और मास्क से यह होता है कि दूसरा अगर कोई संक्रमित है और वो खांस दे या छींक दे, तो उसी खांसने से या छींकने से वो वायरस हमारे दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक तो छूने से अगर वो हाथ में है और आपका हाथ छू दिया, और दूसरा खांसने से या छींकने से। तो मास्क पहनने का फायदा ये है कि खांसेंगे या छींकेंगे तो दूसरे के मुंह पे नहीं जाएगा और दूसरे का अपने मुंह पे अंदर नहीं आएगा। तो हम अपनी जिंदगी या कहिए कि इस महामारी से, इस वायरस से अपने आप को बचा पाएंगे। तो मेरे मन में ये आया कि लॉकडाउन है, बाहर निकल नहीं सकते अभी, उसके कारण रोजगार छिन गया है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है। एक तरफ मास्क की जरूरत है, करोड़ों की संख्या में मास्क चाहिए, क्योंकि मास्क एक बार पहनने के बाद जिंदगी भर नहीं चलता, बाद में फिर बदलना पड़ता है। तो करोड़ों मास्क मध्य प्रदेश में ही चाहिए। तो मुझे लगा कि बजाय और कहीं से खरीदने के, कारखानों में बनवाने के, विदेशों से लाने के या और कहीं से मंगवाने के, मेरी मध्य प्रदेश की बहनें इतनी कुशल कारीगर है तो खुद ही मास्क बना देंगी। तो उसी में से ये योजना आई कि बहनें मेरी मास्क बनाएं, और बहन जो मास्क बनाएं उनको सरकार हर शहर में खरीद ले। तो बाजार की चिंता नहीं है आपको, कहीं बेचने जाना नहीं है आपको, तो मास्क बनाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन का नंबर मैं आपको बता रहा हूं, वो नंबर आप सब बहनों को बताना, और आपके माध्यम से मैं सबको बता रहा हूं। मास्क बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फोन करना है 0755, ये भोपाल का कोड नंबर है, 0755, और फिर 2700800। एक बार हिंदी में और बताता हूं मैं, 0755, फिर 2700800। अब ये नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना तो कुछ नहीं, इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, और आपका फोन नंबर और अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर जरूर बताना है, क्योंकि मास्क का पैसा आपके खाते में आएगा, और आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपको उसी शहर से मास्क के ऑर्डर मिल जाएंगे। मास्क के ऑर्डर मिलेंगे, आप मास्क बनाएंगी, ऑर्डर आपको 1000 मास्क बनाना है, 2000 मास्क बनाना है, उसके ऑर्डर मिल जाएंगे। आप सूती कपड़े का होगा, ये सूती कपड़ा लेके आप अपनी मशीन पे मास्क बनाएंगे, और मास्क बनने के बाद एक स्टोर ऑफिसर होगा जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी आपके ही शहर में, उसके पास आप मास्क जमा करवा देंगे। जैसे ही आपने मास्क जमा करवाए, मान लीजिए आपने 1000 मास्क जमा करवाए, तो सीधे 11000 रुपया आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। उसी दिन हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन आपके खाते में डल जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दूसरा दिन होगा।
इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपके खाते में सीधे पैसा आ जाएंगे। अब इससे फायदा यह होगा कि लोगों को मास्क मिल जाएंगे, वो मास्क लगाएंगे तो वो बीमारी से बचेंगे, और मेरी बहनों को घर रोजगार मिल जाएगा। अभी इस समय लॉकडाउन में ज्यादा निकल नहीं पाए, तो घर के सब कामकाज करते हुए मेरी बहनें मास्क बनाएंगी और पैसे कमाएंगी, आमदनी बढ़ेगी, लोगों की जिंदगी बचेगी। इसलिए इस योजना का नाम रखा है हमने जीवन शक्ति योजना। तो मेरी सभी बहनों, जीवन शक्ति योजना का लाभ उठाइए, बाकी बहनों को भी बताइए, मास्क बनाइए और सरकार को दीजिए, पैसे आपके खाते में आएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना तो हो गया ना, हो गई ना।